तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का लेसन 4.3 पॉइंट थ्री द रेड हेडेड लीक का क्वेश्चन और आंसर ठीक है तो जो पार्ट वन है उसका क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं पार्ट टू ठीक है तो सबसे पहले क्या देखेंगे मार्जिन के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे और फिर उसके बाद जो इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनके आंसर हम लोग देखेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मार्जिन के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है कि टेल द नेम ऑफ द यंग मैन हु ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स बताइए उनका वो मैन का नाम बताइए उस यंग मैन का नाम बताइए जिसने क्या किया था मिस्टर uh, होम्स के लिए दरवाजे को ओपन किया था तो इसका आंसर देखो स्टूडेंट यहाँ पे द यंग मैन हु ओपन द डोर टू होम्स वॉज विंसेंट्स फॉल्डिंग ओके अगला क्वेश्चन है

तो इसका आंसर देख लो मिस्टर मैरीवेदर टुक दू द्यूज सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक इन लंदन फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड मिस्टर मैरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राइम यानी कैसे मिस्टर मेरीवेदर को उस क्राइम के बारे में पता चला ठीक है हाउ हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द क्राइम ओके तो इसका आंसर देखो होम्स मस्ट हैव टोल्ड है मैरीवेदर अबाउट द क्राइम अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वन ध्यान से बस आप लोग देखते जाइएगा क्वेश्चन आंसर ओके स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेते जाइएगा फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई डिड मिस्टर होम्स सिंग द क्रिमिनल्स वुड एक्ट दैट नाइट यानी कि जो मतलब मिस्टर uh, होम्स थे ठीक है उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि uh, जो क्रिमिनल्स हैं ठीक है जो भी अपराधी हैं वो उसी रात क्या करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे वो उसी रात एक्ट करेंगे तो इसका आंसर देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने चलो एक बार फटाफट से आपको पढ़ करके बता देती हूँ कि फर्स्टली द रेड हेडेड लीग हैड बिन डिजोल्व मिस्टर विल्सन कुड नाउ रिमेन इन हिज हाउस एंड एंड शॉप द होल डे दिस टोल्ड होम्स दैट द क्रिमिनल्स प्लान वॉज रेडी एंड इन प्लेस सेकेंडली इट वॉज द वीकेंड एनी क्राइम दैट टूक प्लेस ऑन सैटरडे नाइट वुड नॉट बी डिस्कवर मंडे टिल मंडे मॉर्निंग वेन द बैंक रीओपन इट्स गेट्स दिस वुड गिव द क्रिमिनल प्लेटी ऑफ टाइम टू स्के मेड होम्स थिंक दैट द क्रिमिनल्स अबाउ क्रिमिनल वु एक्ट दैट नाइट ओके अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा चलिए ये तो हो गया ना सिक्स क्वेश्चन है कि हाउ डिड द क्रिमिनल्स एंटर द सेलर यानी जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने सेलर के अंदर एंटर कैसे किया था खाने में कैसे वो लोग आए तो इसका आंसर देख लीजिए द क्रिमिनल्स एंटर द सेलर थ्रू अ स्क्वायर होल इन द फ्लोर ऑफ द सेलर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेवेंथ वन हु वर द टू क्रिमिनल्स वो दो क्रिमिनल्स कौन थे तो इसका आंसर देख लीजिए द टू क्रिमिनल्स वर मिस्टर द दसिस्टें द असिस्टेंट जॉन क्ले एंड मिस्टर डक्कन रॉस एथ क्वेश्चन है कि हु ट्राई टू गेट अवे यानी कौन भागने की कोशिश कर रहा था डू यू थिंक ही वॉज एबल टू स्कैम्प आपको क्या लगता है कि क्या वो भाग सकता था मतलब भागने में सक्षम था वाई क्यों तो इसका आंसर देख लो डकन रोज ट्राई टू गेट अवे ही वॉज ट्राइंग टू गेट अवे हुज देयर डकन रॉज ओके आई डू नॉट थिंक ही वॉज एबल टू स्केप बिकॉज देयर वॉर थ्री मै थ्री मैन वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड ओके क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन इज की एक्सप्लेन द ट्रिक ऑफ द रेड हेडेड लीग हाउ वॉज इट रिलेटेड टू मिस्टर मतलब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो रेड हेडेड लीक का मतलब जो ट्रिक है जो तरकीब है उसे आप लोग समझाइए एक्सप्लेन करिए एंड हाउ वाज हाउ वाज इट रिलेटेड टू मिस्टर विल्सन हेयर ये कैसे मिस्टर विल्सन के हेयर से रिलेटेड था ठीक है उनके बालों से कैसे रिलेटेड था तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको फटाक से पढ़ करके बता देती हूँ लिसन केयरफुली स्पॉल्डिंग एंड डक्कन रोज हैड Seen that it was possible to dig a tunnel from mr wilson's shop to the cellar of the bank however to, to do this they would uh, would have to get rid of mr wilson's wilson from the shop for a few hours every day seeing that mr wilson and rose uh, rose both had bright red hair they thought of the plan of the red headed leak. mr wilson was simple enough to fall for the plan and since his folding uh, accompanied him

टेंथ क्वेश्चन है कि वाई डिड होम्स बिकम सस्पीसियस यानी जो होम्स मतलब ये मतलब वो जो होम्स थे ठीक है वो मतलब सस्पीसियस कैसे मतलब शक यानी क्या होता है जैसे शक करना ऐसा ठीक है तो इसका आंसर देख लीजिए द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रेड हेडेड लेग वॉज स्ट्रेंज एंड जॉब ऑफर टू मिस्टर विल्सन वॉज स्पेक्यूलियर इन एडिशन द असिस्टेंट इज फॉल्डिंग वर्क फॉर हाफ द वेजेस ही ऑल्सो हैड द हैबिट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन ठीक है? है अगला पे, ये तो इसका आंसर देख लिया ना आप सभी ने। चलिए इलेवेंथ वन देखिएगा कि हाउ डिड होम्स फाइंड आउट दैट असिस्टेंट वॉज अ क्रिमिनल यानी कैसे मतलब होम्स को पता चला कि असिस्टेंट क्या था क्रिमिनल था

वो वो क्या कर रहा था वो ना वो टनल यानी कि टनल आपको पता है ना वो टनल खोद रहा है ठीक है खोद रहा था वो उनको उन्होंने कैसे उसका अनुमान लगाया तो इसका आंसर देख लीजिएगा क्या लिखा है यहाँ पे कि वे फॉल्डिंग आंसर द डोर आंसर द डोर होम आर सा दैट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स वर रिंकल एंड स्टेंड ही ऑल्सो हैड द हैबिट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन वेन होम्स बैंक ऑन वन साइड ऑफ हाउस ही गेस दैट द असिस्टेंट फॉर अ टनल ओके okay? तो बच्चों यहाँ पे आपका जो मार्जिन uh, के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे मैंने ट्राई किया कि आपको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से uh, मतलब उस क्वेश्चन को आप समझ पाते हो और फिर आंसर पर लिख पाते हो ठीक है तो चलिए अभी हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप पर चलते हैं सो इंग्लिश वर्कशॉप में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर नाउ सी यर यहाँ पे ना कुछ इवेंट्स दिए गए हैं दिखाई दे रहे हैं आपको तो ये जो इवेंट्स दिए गए हैं ना ये एक ऑर्डर में नहीं है मतलब पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ ऐसा नहीं ये सारे जम्बल्ड है इधर से उधर दिए गए हैं तो आपको क्या करना है इन्हें ना एक प्रॉपर ऑर्डर में करना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ फिर सेकेंड कौन सा इवेंट हुआ फिर थर्ड कौन सा इवेंट हुआ ठीक है इस तरीके से तो हमने ना ये जो, ये जो सारे इवेंट है उनको एक ऑर्डर में करके लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लिखो लिखोगे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले ये आएगा द बैंक रिसीव द लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस यानी कि ये जो लास्ट में दिया है ना वो सबसे ऊपर आएगा देन ये क्ले डिग्स टनल फिर थर्ड रॉस क्लोजेज द्लोजेज द ऑफिस ऑफ द रेड रेडेड लीग फिर फोर्थ में क्या आएगा होम विजिट द एरिया अराउंड मिस्टर विलसन फिर फिफ्थ में क्या आएगा क्ले एंड रॉस एंटर टू दील द गोल्ड और सेवंथ में क्या आएगा होम क्रिमिनल क्ले तो ये हो चुका है अब क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर वन हो चुका है इंग्लिश वर्कशॉप का सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम द पैसेज फाइंड एडवर्ब दैट एंड विथ एल वाई फाइंड दिन ईच ऑफ द एडवर्ब देखो अभी आपको क्या करना है पैसेज में से ना वो एडवर्ब्स निकालने हैं वो एडवर्ब्स फाइंड आउट करने हैं जो एंड होते हैं किसके साथ एल वाई के साथ ठीक है और फिर आपको क्या करना है हर एक एडवर्ब का ना एडजेक्टिव भी लिखना है तो देखिए हमने यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव लिखे हुए हैं जैसे एडवर्ब साइलेंटली सडनली रियली ब्यूटीफुली देखिए ये सभी एडवर्ब एंड हो रहे हैं एल वाई से राइट अभी इनके एडजेक्टिव्स भी हमने लिखे हैं साइलेंटली का साइलेंट सडनली का सडन रियली का रियल ब्यूटीफुली का ब्यूटीफुल ओके ये हो गया फिर अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिटेक्टिव और मिस्ट्री स्टोरी देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इन्हें आपको डिस्कस करना है अ अ मिस्ट्री स्ट्रेंज हैपनिंग्स स्मार्ट डिटेक्टिव हु इन्वेस्टिगेट द हैपनिंग्स ठीक है दीज ऑल आर एलिमेंट्स हैज गिवन विच यू हैव टू डिस्कस विथ योर पार्टनर विथ योर फ्रेंड्स ओके अंडरस्टूड तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करिए है ना तो अभी आपको करना है क्या आप आगे देखो इधर यूज़ द एलिमेंट्स टू प्रिपेयर आउटलाइन आउटलाइंस ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज यूजिंग योर इमेजिनेशन अब आपको क्या करना है अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ठीक है थीके? इनका यूज़ करो अपने इमेजिनेशन का भी यूज़ करो और इनकी हेल्प से आ, कोई डिटेक्टिव स्टोरीज होती है ना जासूसी वाली कोई कहानियाँ तो उनके आउटलाइन को आपको प्रिपेयर करना है आउटलाइन मतलब उनके रूपरेखा तैयार करनी है ठीक है ओके okay, मतलब वही आउटलाइन लिखना आउटलाइन तो आपको पता ही होगा ठीक है और फिर आपको क्या करना है इतना तो आप समझ गए कि इनका यूज करके आपको एक मतलब तो डिटेक्टिव स्टोरीज की आउटलाइन को प्रिपेयर करना है एंड देन यू हैव टू डू राइट अ स्टोरी यूजिंग एनी वन ऑफ द आउटलाइंस फिर जो आप अपने आउटलाइंस लिखी रहेंगी उनमें से किसी भी एक आउटलाइन का यूज़ करके यू हैव टू मेक अ स्टोरी ओके आपको क्या करना है स्टोरी प्रिपेयर करना है ठीक है आउटलाइंस का यूज करके तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ये आउटलाइंस लिखी हुई है आपको दिखाई दे रहा होगा यस दीज ऑल आर आउटलाइंस ओके और फिर स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ पहले ये आउटलाइंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आप लोग लिख लीजिएगा अब मैंने एक आउटलाइन का यूज करके यहाँ पे स्टोरी भी लिखा है ठीक है देखो द डिस ऑफ द विल देखो यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ द विल ये देखो इधर था ना डिसअपयरेंस ऑफ द विल डेथ ऑफ द हेड ऑफ डेथ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली इधर इधर डिस ऑफ द विल ठीक है समझ में आया आपको और फिर आगे भी है ये आउटलाइन हमने बनाया ना डेथ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली वाइफ एंड टू सन लेफ्ट बिहाइंड विल टू बी रीड फैमिली मेम्बर्स ओके इस तरीके से तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो और फिर ये आगे स्टोरी है इसका नाम क्या है कॉट इन हिज ओन एक्ट ठीक है तो इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगी मतलब बहुत बड़ा है ये स्टोरी लगभग दो पेजेस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्क्रीन ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है चलो पहले इतना देखो आउटलाइन तो आपने देख लिया अभी ये देखो फिर आगे का भी बताती हूँ फिर आगे देखो आगे चलो आधा आधा करके देखो क्योंकि पूरा एक साथ दिखाऊंगे फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इतने छोटे छोटे वो अक्षर रहेंगे ना आप देख नहीं पाओगे चलो अब आगे का देख लो तो यहाँ पे ये वाला जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थ्री इसका मतलब आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है अब क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि यूज़ द फॉलोइंग आउटलाइन टू डेवलप अ स्टोरी एज अ ग्रुप एक्टिविटी देन राइट द स्टोरी इंडिविजुअली देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है यहाँ पर ये जो आउटलाइन दिया गया है ना आउटलाइन ये ये सब क्या आउटलाइन है ठीक है तो इसकी मदद से आप लोगों को आ, मतलब आ, क्या करना है यूज़ अ फॉलोअ टू डेवलप अ स्टोरी स्टोरी डेवलप करना है ठीक है एज अ ग्रुप एक्टिविटी मतलब ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ स्टोरी बनाइए और फिर आप क्या करो स्टोरी इंडिविजुअली भी लिखो मतलब ऐसे अकेले अकेले भी तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ देखो ये इसका आंसर है चलो ये लीजिए हमने ये स्टोरी बना दी है आप देख लीजिए बहुत अच्छी स्टोरी है इसको आप पढ़िएगा आपको हंसी आएगी ठीक है एक बार पढ़िएगा ज़रूर हाँ पढ़ना देखना कभी आपके साथ भी ऐसा शायद से हुआ हो ठीक है अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी तो इसमें क्या बोला जा रहा है लैंग्वेज स्टडी में ना सीनो एंटोनिम्स होनोनिम्स होमोनिम्स तो सीनो क्या होते हैं आपको पता है ना सीनो मतलब जैसे हिंदी में उसको कहते हैं समानार्थी शब्द यानी कि वो जो आपका वर्ड रहेगा ना उसके सिमिलर और कोई वर्ड्स लेट से फॉर एग्जाम्पल गुड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं nice नाइस बोल सकते हैं प्रिटी बोल सकते हैं शर्ट को क्लोज सील्ड बोल सकते हैं इंटेलिजेंट को ब्राइट बोल सकते हैं ओके सो दीज आर सीनोनिम्स ओके अभी एंटोनिम्स क्या होते हैं एंटोनिम्स यू कैन से दैट अपोजिट वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोंग का वीक राइट right का रॉन्ग हार्ड का सॉफ्ट अप का डाउन ओके एंड ह्यूम क्या होते हैं तो ह्यूमो आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग यानी वो वर्ड्स जो जिनकी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ आर सेम ठीक है लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग होती है मतलब उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और उनको प्रोनाउंस भी सेम तरीके से किया जाता है बट द मीनिंग इज डिफरेंट मीनिंग अलग अलग होता है फॉर एग्जाम्पल राउंड एडजेक्टिव भी है राउंड इज नाउन Also, देखो round जो है उसको हम adjective की तरह भी यूज़ कर सकते हैं as well as हम उसको noun की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. Walk, noun, and okay. समझ में आ रहा है आपको तो इस तरीके से अब ये चीज तो आप समझ चुके हो अब आपको करना है क्या सुनो यहाँ पे स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ सिनोनेलेक्शन देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है एंटोनिम्स सिनोनिम्स होमोनिम्स ये सारे जो Uh, मतलब है ना इनके पचास कम से कम पचास ऐसे वर्ड्स तो आप लोग फाइंड आउट ही करो ठीक है कलेक्ट करो और फिर उनको लिखो तो देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ सिनोनिम्स निम्स लिखे सबसे पहले सिनोनिम्स लिखा है एंटोनिम्स भी लिखा है होमोनिम्स भी लिखा है तो पहले मैं आपको सिनोनिम्स निम्स दिखाती हूँ चलो स्क्रीन लेते जाना यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ देखो वर्ड चैट कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है चलो स्क्रीन ले लो फटाफट से अब हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स देख लीजिए एग्जांपल्स ऑफ एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड होता है हा? फिर एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स होमोनिम्स देखिए यहाँ पे आपको तो पचास पचास करना था तो आप और भी ढूंढिएगा ठीक है पचास शब्द तो खोजने थे ना तो मैंने तो पचास नहीं लिखे हैं लेकिन आ, लेट्स आप आप इतना तो कर सकते हो अपोजिट वर्ड्स आपको पचास मिल जाएंगे अपोजिट वर्स ठीक है ऐसे ये सारे जो वर्ड्स होते हैं आपको याद होने चाहिए अभी आप सेवन स्टैंडर्ड में हो ना तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स चलो बच्चों यहाँ पे देखो हमने ये जो रेड हेडेड लिख था फाइनली इसको फिनिश्ड कर ही लिया पार्ट वन भी देखा था पिछले वीडियो में और पार्ट टू तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो अगर आपने पार्ट टू वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग प्ले में जा के उस वीडियो को देख लीजिएगा और एक और बात बताना चाहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ये जो सारे पी हैं मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करती रहती हूँ ठीक है टेलीग्राम चैनल में जा के आपको सर्च बार में जाना है वहाँ पर लेसन का नाम सर्च करोगे तो आपको ये पी मिल जाएगी ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू